हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट एस वी जेड एनाथ। इन दिस पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल वी सॉल्व वर्बल रीजनिंग फॉर सीरीज कंटेंट। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जहां पे हमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना है और ये रेस्पॉन्स क्या है, 1496, 6149, 9614, 4961 और आखिरी में जो नंबर है वो मिसिंग नंबर है जिसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में जाना है और लिखना है जो क्वेश्चन दिया गया है, और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि ये क्वेश्चन कौन सी रेस्पॉन्स में है, कौन सी ऑर्डर में है, जिसके बाद हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मिसिंग नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, ये जो पहला नंबर है 1496 और दूसरा नंबर है 6149, ये दोनों नंबर में जो डिजिट लिया गया है सब सेम है। डिजिट का मतलब ये 1 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, 9 एक डिजिट है और 6 एक डिजिट है। टोटल 4 ठो डिजिट एक नंबर में है और जितना नंबर आपको दिया गया है सब में 4 ठो डिजिट है और वो डिजिट सब सेम है, कोई आगे है और कोई पीछे है। गौर कीजिए, ये जो थर्ड टर्म है 9614, ये चारों डिजिट ये दोनों नंबर में भी है और जो आखिरी डिजिट है 4961, ये चारों डिजिट इस तीनों नंबर में है। और जो आखिरी नंबर है वो क्या होगा उसको हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में हमें क्या मिला, हियर द लास्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट टर्म विल बी फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड टर्म। यहाँ पे जो पहला टर्म है 1496, ये जो 6 है ये है लास्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म 1496 और उसका लास्ट डिजिट है 6। ये 6 क्या होगा, विल बी फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में जब जाएगा 6 हो जाएगा पहला डिजिट। देखिए यहाँ पे पहला डिजिट था 1 और सेकेंड टर्म में पहला डिजिट आ गया 6, और ये 6 कहां से आया, द लास्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट टर्म से 6 आ गया और ये पहला डिजिट के हिसाब से उसको पुट किया गया है। और देखिए, एंड अदर डिजिट्स आर रिमेन्स अनचेंज्ड, उसके बाद जितना डिजिट है वो सब अनचेंज्ड रहेंगे, कुछ बदलाव नहीं होगा उनमें। कैसे, देखिए 6 पहले आ गया, 149 जैसा था पहला टर्म में, 6 के बाद 149 वैसा ही है, कुछ बदलाव नहीं है। तो चलिए उसको सॉल्यूशन में देखते हैं। तो ये है वो सब स्टेप जहां से हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला टर्म 1496, पहला टर्म से दूसरा टर्म आएगा, कैसे, जो लास्ट डिजिट था पहला टर्म का 6 वो पहले आ गया और 149 जैसा था 6 के बाद उसी तरह हम लिखे हैं। उसके बाद थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म का जो लास्ट डिजिट था 9 उसको पहले लिखा गया, उसके बाद बाकी जो डिजिट हैं 6149 के बाद लिखा गया है, कुछ बदलाव नहीं है। फिर आ गया फोर्थ टर्म 4961, ये कैसे आया, आखिरी डिजिट ऑफ थर्ड टर्म क्या है, 4 आ गया, 4961 रिमेन्स अनचेंज्ड। उसके बाद फिफ्थ टर्म, ये टर्म हमें ढूंढने के लिए बोला गया था जो मिसिंग था, तो वो कैसे आएगा, आखिरी में जो था डिजिट 1 किस टर्म में, फोर्थ टर्म में, वो आएगा सबसे पहले, उसके बाद 496 जैसा था वैसे लिखा गया है और ये है वो मिसिंग नंबर जिसको हमें फाइंडिंग करना था। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू माइंड अप
this competitive tutorial episode. If you have any question about this part, then ask your suggestion by comment. For more video, you can click on icons and also watch these videos. Till then, subscribe, like and share Asutosh Architecture. Thank you.